हेलो, गुड मॉर्निंग। आई होप यू आर वेल। आप सभी अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके लिए कुछ लेकर आ गया हूँ, कुछ नया। और जैसे मैंने आपको पहली वाली वीडियो में बताया था कि अब मैं आपके लिए इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स लेके आऊँगा, ऑनलाइन इंग्लिश स्पीकिंग। तो आज से मैंने प्रॉमिस किया अपने आप से कि मैं आपको इंग्लिश बोलना सिखाऊंगा। आई विल मेक यू स्पीक हाउ टू स्पीक इंग्लिश। इफ़ यू ट्रस्ट विद योर सेल्फ, डेफिनेटली वन डे यू कैन स्पीक इंग्लिश, बिकॉज इंग्लिश इज़ नॉट घोस्ट। इंग्लिश कोई भूत नहीं है। यू कैन लर्न इंग्लिश, यू कैन स्पीक इंग्लिश, यू कैन फील इंग्लिश। तो देखो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको कौन सी क्लास पढ़ाने जा रहा हूँ उसका मैं डेमो देता हूँ, ध्यान से देखना। आपने देखा मैं पानी पी रहा हूँ, तो यही आज हमारी क्लास है, यही आज हमारा टाइटल है, जब कोई काम चल रहा होता है। क्या हमारा टाइटल? जब कोई काम चल रहा होता है, जिसका मतलब होता है इज एम आर प्लस आई एन जी। तो देखो फ्रेंड्स, कहीं ना कहीं आपने देखा होगा इज एम आर प्लस आई एन जी का मतलब आप ग्रामर की अगर बुक में देखते हैं या किसी भी बुक में देखते हैं, ग्रामर की बुक हो गई या कहीं पे भी आप पढ़ते हैं, तो 99% अगर मैं बात करूं, 99% अगर हम बात करें तो इज एम आर प्लस आई एन जी को कहीं ना कहीं दो तरीके से ही बोला जाता है। पहला तरीका वाक्य अंत में राय रही है, या कुछ लोग बोलते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस, या कुछ लोग बोलते हैं टेंस, इतने प्रकार के होते हैं, वट एवर। बट आपको टेंशन नहीं लेनी है। आज मैंने आपको प्रैक्टिकल बताया था कि मैं आपके सामने पानी पी रहा था, तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं, और मैं पानी पी रहा हूँ तो मैं आंसर भी दे सकता हूँ। तो कहीं ना कहीं पानी पीना मैं अपने लिए भी इंग्लिश बोल सकता हूँ, और सामने वाला जो आप मुझे देख रहे हैं आप मुझसे पूछ भी सकते हैं। तो आज हमारी यही क्लास है, आपको ध्यान रखना है इज एम आर प्लस आई एन जी, कोई काम चल रहा होता है, राइट। लेसन वन, बेसिक इंग्लिश, डे वन। तो आप 30 डेज मेरा इंग्लिश का कोर्स जरूर करें, उसके बाद आप बताएं कि आपको कैसा लगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो 30 डेज के बाद भी मैं और वीडियो बनाऊंगा। तो चलो हम टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, क्लास स्टार्ट करते हैं। तो देखो फ्रेंड्स, पहले हम आपको बताएंगे आई एम प्लस एक्शन प्लस आई एन जी प्लस अदर वर्ड। जैसे अभी मैंने आपको दिखाया था कि मैं पानी पी रहा हूं, राइट तो आप यहां पे क्या बोलोगे? आई एम टेकिंग वाटर। क्या बोलोगे? मैं पानी पी रहा हूं, आई एम टेकिंग वाटर। यहां पे लिखा है आई एम टेकिंग टी, यानी मैं चाय पी रहा हूं। तो आई एम के बाद आपको कोई क्रिया लगाना है, यानी कि एक्शन का मतलब होता है वर्ब। एक्शन का मतलब क्या होता है? वर्ब। या तो आप एम के बाद एक्शन लगा सकते हैं या फिर कोई वर्ब लगा सकते हैं, उसमें आई एन जी होना चाहिए, और अदर या ऑब्जेक्ट, यानी कोई कर्म भी लास्ट में लगा सकते हैं। तो आप कैसे बोलेंगे? मैं चाय पी रहा हूं, आई एम टेकिंग टी, आई एम टेकिंग टी, मैं चाय पी रहा हूं। मैं आ रहा हूं, आई एम कमिंग। क्या बोलोगे? आई एम कमिंग। तो आई एम करके आप वो इंग्लिश बोल सकते हैं जो आप कर रहे हैं। जैसे भी मैंने आपको दिखाया मैं पानी पी रहा हूं, आई एम टेकिंग वाटर। जैसे अभी मैं देख रहा हूं, आई एम लुकिंग। मैं पढ़ा रहा हूं, आई एम टीचिंग। मैं सोच रहा हूं, आई एम थिंकिंग। मैं भाग रहा हूं, आई एम रनिंग। तो आप आई एम करके वो इंग्लिश बोल सकते हैं जो आप ऑन द स्पॉट आप महसूस कर रहे हैं या कर रहे हैं। आई एम नॉट, यानी नेगेटिव सेंटेंस के लिए आपको टेंशन नहीं लेनी है। नेगेटिव के लिए बस आई एम के बाद आप नॉट लगा देंगे। जैसे मैं नहीं आ रहा हूं, आई एम नॉट कमिंग। मैं नहीं जा रहा हूं, आई एम नॉट गोइंग। अगर वहीं पे बात आती है क्वेश्चन, तो आर यू, यानी आपको अगर सामने वाले से क्वेश्चन करना है, जैसे मान के चलो आपसे मुझसे क्वेश्चन करना है, अगर आप देख रहे हैं तो मैं आपके लिए कौन हूं? यू, यू में आपके लिए। तो क्वेश्चन करने के लिए पहले क्या बोलेंगे? आर यू। तो आप जो भी दिखे इंग्लिश बोल देना, तो बोल दो आर यू टेकिंग वाटर। क्या बोलोगे? आर यू टेकिंग वाटर। क्योंकि जब कोई काम चल रहा होता है, जब भी आपकी आंखों के सामने कोई भी काम करे, या कोई पानी पी रहा है, या आपके सामने ऑफिस जा रहा है, या चाय पी रहा है, तो आप बोल सकते हैं आर यू, आर यू। तो पूछो मुझसे, क्या तुम दौड़ रहे हो? आर यू रनिंग। बोलो आर यू रनिंग। पूछो मुझसे, क्या तुम सो रहे हो? आर यू स्लीपिंग। क्या बोलोगे? आर यू स्लीपिंग। पूछो मुझसे, क्या तुम लिख रहे हो? आर यू राइटिंग। तो सिंपल सी बात है कि जब भी तुम्हारी आंखों के सामने कोई भी काम चलेगा तो तुम बोलोगे आर यू, आर यू। अगर अपने लिए आंसर देना आई एम, मना करना है तो आई एम नॉट। अब कभी कभी क्या कहा, मैं तो ना तो मैं कोई काम कर रहा हूं ना तुम कोई काम कर रहे हो। जब मैं कोई काम नहीं कर रहा होता हूं और तुम कोई काम नहीं कर रहा है, मैं आए और तुम यू। तुम अपने आप में कौन हो? आए। मैं तुम्हारे लिए कौन हूं? यू। आए और यू जब कोई काम नहीं कर रहे होते, यानी आए और यू, तो कोई ना काम कर रहा होता है थर्ड पर्सन। कौन कर रहा होता है? थर्ड पर्सन। अब थर्ड पर्सन होते कौन है देख लीजिए, ही भी हो सकता है, सी भी हो सकता है, नेम भी हो सकता है, इट भी हो सकता है, दे भी हो सकता है।
यानी कि ही शी नेम इट दे, ये सब हमारे कौन होते हैं, थर्ड पर्सन, यानी कि आमने सामने, यानी आई और यू, यानी आमने सामने मींस जैसे मैं तुम्हारे सामने हूँ और तुम अपने आमों को छोड़ के जो भी कोई काम कर रहा है, यानी जब कोई काम चल रहा है या जब कोई काम हो रहा है, तो उसको हम बोलते हैं थर्ड पर्सन। तो थर्ड पर्सन के लिए आप इंग्लिश कैसे बोलेंगे, ही इज, क्या बोलेंगे, ही इज। यानी जब भी आप थर्ड पर्सन के लिए किसी एक के लिए इंग्लिश बोलेंगे इज, ज्यादा के लिए बोलेंगे आर, अगर आप एक के लिए बोलेंगे तो इज लगाएंगे, ज्यादा के लिए बोलेंगे आर, सिंगुलर या प्लूरल, एक बचन या बहुवचन, कैसे बोलेंगे, वह चाय पी रहा है ही इज टेकिंग टी, वे चाय पी रहे हैं दे आर टेकिंग टी, कैसे बोलेंगे, मेरे पापा आ रहे हैं तो ही की जगह क्या जाएगा, माय फादर इज कमिंग, मेरी माँ आ रही है, माई मदर इज कमिंग। तो आप थर्ड पर्सन के लिए जब भी आप इंग्लिश बोलेंगे किसी एक वचन के लिए सिंगुलर के लिए, तो आप इज लगाएंगे, या तो वो आपको दिख रहा है आ रहा है तो आप बोल सकते हैं ही इज कमिंग, मेरे पापा आ रहे हैं, माई फादर इज कमिंग। अगर आपको निगेटिव बोलना है तो यहाँ पे इज के बाद क्या लगा देंगे, नॉट, और आर के बाद क्या लगा देंगे, नॉट, तो यहाँ पे बन जाएगा ही इज नॉट टेकिंग टी, वह चाय नहीं पी रहा है, दे आर नॉट टेकिंग टी, वे चाय नहीं पी रहे हैं। तो आप जब भी थर्ड पर्सन के लिए हाँ करेंगे यस नो, तो इस एक के लिए, ज्यादा के लिए आर, और नॉट लगाकर निगेटिव बना देंगे। अगर आप मुझसे किसी थर्ड पर्सन के लिए क्वेश्चन करेंगे तो पहले इज भी आ सकता है आर भी आ सकता है, यानी जैसे आप मुझसे किसी थर्ड पर्सन यानी किसी तीसरे के लिए अगर आप प्रश्न करेंगे, क्वेश्चन करेंगे किसी एक के लिए, तो इज ही टेकिंग टी, क्या वह चाय पी रहा है, आर दे टेकिंग टी, क्या वे चाय पी रहे हैं। तो अगर आप मुझसे बातें करेंगे तो आर यू आर यू, और मुझसे किसी थर्ड पर्सन के लिए बात करेंगे तो आप इज भी लगा सकते हैं और आर भी लगा सकते हैं। तो पूछो मेरे फादर के बारे में, इज योर फादर, फादर यानी ही की जगह क्या जाएगा, योर फादर, यानी इज योर फादर टेकिंग टी, क्या तुम्हारे पापा चाय पी रहे हैं, क्या तुम्हारे पापा आ रहे हैं, इज योर फादर कमिंग, क्या तुम्हारी माँ आ रही है, इज योर मदर कमिंग, क्या राजू आ रहा है, इज राजू कमिंग, क्या राहुल आ रहा है, इज राहुल कमिंग। तो कहने लग है अगर आप मुझसे बात करेंगे तो आर यू आर यू, अगर आप मुझसे किसी थर्ड पर्सन के लिए बात करेंगे इज भी लगा सकते हैं और आर भी लगा सकते हैं। तो आज आपको पता लग गया इज एम आर प्लस आई एन जी का मतलब नहीं होता बात के अंत में राय रही है रहे हैं, नो, इज एम आर प्लस आई एन जी का मतलब होता है जब कोई काम चल रहा होता है। बताना चाहता हूं इज एम आर लगते कहां पे है, तो ही शी नेम इट के साथ इज आता है, यू दे वी के साथ आर आता है, I के साथ M आता है। तो ये आपको प्रॉपर पता लग गया इस बॉक्स के थ्रू इज आर एम लगते कहां पे हैं। तो अब थोड़ी सी हम प्रैक्टिस करते हैं, तो कैसे बोलेंगे वह आ रहा है, कैसे बोलेंगे वह आ रहा है, ही इज कमिंग, मैं आ रहा हूं, आई एम कमिंग, तुम आ रहे हो, यू आर कमिंग। तो पूछो मुझसे क्या तुम दौड़ रहे हो, आर यू रनिंग, आंसर दो, मैं दौड़ रहा हूं, आई एम रनिंग, मैं नहीं दौड़ रहा हूं, आई एम नॉट रनिंग। तो यानी कि अगर आप मुझसे बातें करेंगे तो आर यू, हम मुझसे किसी तीसरे के लिए बात करेंगे तो आप इज भी लगा सकते हैं और आर भी लगा सकते हैं, डिपेंड करता है आप एक बचन के लिए सिंगुलर के लिए पूछ रहे हैं या बहुवचन प्लूरल के लिए पूछ रहे हैं। और इस बॉक्स के थ्रू आपको प्रॉपर पता लग गया इज आर एम लगते कहां पर है। तो थोड़ी और प्रैक्टिस करते हैं, तो कैसे बोलेंगे राहुल आ रहा है, राहुल इज कमिंग, मेरे पापा दौड़ रहे हैं, माय फादर इज रनिंग, मैं चाय पी रहा हूं, आई एम टेकिंग टी, मैं पढ़ा रहा हूं, आई एम टीचिंग। पूछो मुझसे क्या तुम पढ़ा रहे हो, आर यू टीचिंग, क्या वे पढ़ा रहे हैं, आर दे टीचिंग, क्या हम पढ़ रहे हैं, आर बी स्टडिंग, क्या वह सो रहा है, इज ही स्लीपिंग, क्या मैं सो रहा हूं, एम आई स्लीपिंग, तुम देख रहे हो, यू आर लुकिंग, मैं देख रहा हूं, आई एम लुकिंग, मैं पढ़ा रहा हूं, आई एम टीचिंग, तुम पढ़ रहे, यू आर स्टडिंग। तो ये हमारा था इज एम आर प्लस आई एन जी जब कोई काम चल रहा होता है। तो आई होप आपने आज इंजॉय किया होगा, आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज अपने दोस्तों को शेयर करें, राइट, एंड सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें। तो आई होप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, बाय एंड टेक केयर।